नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हिट एंड रन केस मामले में सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में फिर ट्रक चालक सड़क पर उतर आए हैं। चालकों का कहना है कि हत्या के प्रयास जैसे मामले में 7 साल की सजा और कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं है, लेकिन ट्रक चालक से जो हादसा होता है उसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा है। अगर ट्रक चालकों के पास 7 लाख रुपए हो तो वह कोई दूसरा काम धंधा कर अपना परिवार पाल सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार उक्त कानून का विरोध वाहन चालकों के द्वारा किया जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री और बेयर हाउस में गल्ला लेकर आने वाले ट्रक चालकों ने वाहनों के पहिए जाम कर दिए हैं। आइए सुनते हैं ट्रक चालकों का क्या कहना है। काला कानून मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना काला कानून वापस ले, वापस ले, वापस ले, वापस ले। हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो आज इतने सालों का कानून बनाया गया है उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। बताइए 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना कौन देगा? हम लोग के पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम लोग अपना घर बेच बेच के, जो भी 1-2 कमरे का घर है उसको बेच के हम लोग अब जुर्माना भरेंगे। फिर बीमा कंपनी किस लिए बनाई गई है? बीमा कंपनी को हटाया जाए। मुझे मेरे रोड पे अगर ये एक्सीडेंट के लिए बाधित कर रहे हैं ये लोग, कि ऐसा होगा तो हम लोगों को ऐसी रोड बना के दी जाए जिसमें कमर्शियल वाहन के अलावा नॉन कमर्शियल वाहन ना घुसे। हमको मोटरसाइकिल हमारे रोड में ना आए, कोई पब्लिक हमारे रोड में ना आए, कोई गाय भैंस ना आए। आज हमारे देश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। 1-2 रोड बना दी गई भारत में, तो उसमें ये कानून नहीं लगाया जा सकता। पूरे भारतवर्ष की रोडें जो हैं, अगर फिफ्थ लाइन बनाई जाए, इतनी लंबी चौड़ी बनाई जाए कि जहाँ कमर्शियल वाहन चलते हैं वहाँ छोटे वाहन का क्या काम? हमारे रोड में कोई छोटा वाहन ना आए, कोई मोटरसाइकिल ना आए। सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, ट्रक वाले, ट्रक मालिक देता है, हैं। हम रोड टैक्स देते हैं सरकार को, इसके बाद टोल टैक्स देते हैं। हमको क्या सुविधा मिली? रोडों की ये दशा है, टोल टैक्स वसूला जाता है, आदमी गाड़ी चलाता है लगता है पेट उखड़ जाएगा, इतना जोर जंप करती है। इस तरह की रोड हर जगह, हर 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में टोल टैक्स लगाए हैं। क्या ये देश का कानून यही कहता है कि पब्लिक को लूट लिया जाए, इन गाड़ी वालों को इतना त्रस्त करें? इस देश में अगर कानून चलाना है तो पहले उस तरह का सिस्टम लाएं। उस सिस्टम को लाने के बाद हम लोग सब करने को तैयार हैं जैसा सरकार बोलेगी। और उसके साथ अगर हम लोगों को नाजायज सताया जाएगा तो भैया अपने अपने घर चले जाएंगे, वो बिल्कुल जानन वाले हैं। जब सारा देश एक तरफ है तो हम कहाँ से अलग हो जाएंगे? हम भी तो उसी में शामिल हैं। कोई गाड़ी नहीं है, कोई नहीं चलाएगा। तो आज आप लोग स्ट्राइक के घर जा रहे हैं सब लोग? हाँ, हम लोग अपने घर जाएंगे, सारे लोग घर जा रहे हैं। अब इसमें चावल लगा है, सरकारी गोदाम का चावल है, पब्लिक के लिए लोड किया गया है। भैया अपनी अपनी वाहन मोटर मालिक आए, अपना संभालें, अपना देखें। हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, नहीं कहेंगे कहीं जाके फरुहा गैती चला के अपना पेट पालेंगे। कोई जरूरी थोड़ा हो कि ड्राइवरी करने। कौन सा हमको पेंशन मिलता है, कौन सा हमको सरकारी भत्ता मिलता है कि हम इसमें जान दे? 5,000 की नौकरी करते हैं तो कहीं भी कर लेंगे, इतना तो हमको कहीं भी मिलेगा। पेट पालना है तो भाई हम कहीं भी कर लेंगे, अपना परिवार चलाना है। अब हम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये में कहाँ से ला के भरूँगा? हम सब भाइयों की यही मांग है, ड्राइवरों भाइयों की। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, ये काला कानून को वापस लें और सुचारू ढंग से जैसे अभी तक चलती थी उसी तरह सरकार को चलने दें और ड्राइवरों को चलने दें, जिससे देश का कल्याण है। जबरदस्ती का कानून तानाशाही नहीं करनी चाहिए। शासन का कानून है, जो नया कानून बनाए हैं उसके हम लोग खिलाफ, हमारी व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है। हम उस हिसाब से हम बेबस हैं, इसके लिए हम लोग ये सब ड्राइवरी बंद करके बल्कि मजदूरी करना चाहते हैं। क्योंकि हम ये नहीं चाहते, अगर किसी ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होती वो क्यों ड्राइवरी करता है? कोई
50 डिसमिल जमीन खरीद लेता, उसमें सब्जी लगा लेता, उससे इससे ज़्यादा तो वो उसमें कमा लेता। 7 लाख रुपए उसके पास होती तो कहीं किराना का या कोई भी साथ का कोई भी दुकान कर लेता, दुकान में अपना पेट चला लेता। ये साहब जो मंत्री महोदय जो कानून बनाए हैं, ऐसे 7 लाख रुपए बता दिए जैसे 7 पैसा किसी भिखारी को दिया जाता हो, किसी भिखारी को 7 पैसे दिया जाता हो, उस तरह के ये कानून बना दिए। जैसे वो जानते हैं कि जैसे मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति है, उसी तरह हर ड्राइवर के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो जब चाहे इसलिए हम लोग ये कानून से सहमत नहीं हैं। लोग सीधे सीने में गोली मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, उनका सजा क्या है? 7 साल की, जुर्माना 1 पैसा नहीं है। ड्राइवर के साथ घटना होती, दुर्घटना है, ये दुर्घटना है, ये कोई मर्डर नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है कि कोई किसी की दुश्मनी है तो दुश्मनी से वो ट्रक चढ़ा दिया है, ये हादसा है। और हादसा में साहब ने इतने सरलता से 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना किए, हम ताजुब करते हैं ऐसे सरकार पर। तो उनको ये कहाँ से आया अपने मन में, उनके मन में ये आया कैसे? कभी रोड नहीं देखे हैं, कभी पब्लिक नहीं देखे हैं, इतने साधारण से वो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा सुना दी। कैसे मंत्री हैं वो, पढ़े लिखे हैं? ये ऐसे ही बैठ गए, हमारे जैसा ड्राइवर है वो भी बैठ गए हैं वहाँ। ये जो मंत्री महोदय निर्णय लिए हैं, इस निर्णय से हम लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये 10 लाख रुपए हम लोग 10 साल की सजा काटने चले जाएंगे तो हमारे माता पिता बीवी बच्चों को कौन पालेगा? क्या मंत्री महोदय आएंगे? और ये 7 लाख रुपए हमारे लोग के पास अगर होता तो हम लोग क्या ड्राइवरी कराते, रोड पे रातों दिन मरते? मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है, ये काला कानून अपना वापस लें।